नमस्कार दोस्तों, सब्सक्राइब करें टेकी दिनेश लेटेस्ट टेक वीडियो के लिए और घंटी दबाकर पाएं टेक नोटिफिकेशन सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल टेकी दिनेश में। सो दोस्तों, आज आपके सामने मैं एक अनबॉक्सिंग वीडियो करने वाला हूँ, वो है Xiaomi Redmi 5। तो पूरी अनबॉक्सिंग वीडियो देखने के लिए बने रहे मेरे साथ। तो चलिए हमारा वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको ऊपर ये इंडिया नंबर वन स्मार्टफोन ब्रांड की इसमें ब्रांडिंग मिल जाएगी, जो Xiaomi की जब से बन चुका है इंडिया का नंबर वन ब्रांड। और साथ ही में आपको MI की जो ब्रांडिंग है इसके राइट साइड में रहेगी, और नीचे आपको इसमें Redmi 5 बाय Xiaomi लिखा रहेगा। साइड प्रोफाइल में देखें तो आपको Redmi 5 यहाँ मिल रहा है। अगर आप पीछे आ जाइए तो आपको पहले इसमें 5.7 इंच का हाई डेफिनेशन डिस्प्ले मिल रहा है। ये फुल हाई डेफिनेशन नहीं है दोस्तों, को इस बात का ख्याल रखना। और साथ ही मैं आपको जो इसका जो रेजोल्यूशन है, जो इस पर एस्पेक्ट रेशियो है स्क्रीन का, 18:9 है, तो ये काफ़ी अच्छा है। जो आजकल जो जितने भी स्मार्टफोन है सभी में ये चीज़ आ रही है 18:9, जिससे क्या होता है कि आपको फुल व्यू डिस्प्ले मिलता है। और सेकंड बात जो है, आपको इसमें जो 12 मेगापिक्सल का जो प्राइमरी कैमरा रहेगा और उसके विद LED फ्लैश के साथ रहेगा, और जो आपका सेकेंडरी कैमरा है वो 5 मेगापिक्सल का रहेगा। ये जो फ़ोन है ये पावर्ड है स्नैपड्रैगन 450 चिपसेट के साथ, जो काफ़ी अच्छा है, जिसका परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा है। और इसमें जो आपको बैटरी मिलेगी वो 3300 mAh की बैटरी मिलेगी, मेड इन इंडिया, जस्ट सी ये लिखा रखा है मेड इन इंडिया। इसमें आपको 3 स्टोरेज ऑप्शन मिलते हैं, एक तो जो मेरे पास अभी है ये 8 GB रैम के साथ, और इसका जो स्टोरेज है 16 GB है। और जो दूसरा वर्जन रहता है उसमें जो 3 GB आपको रैम मिलता है, और आपको जो स्टोरेज ऑप्शन रहता है उसमें 32 GB होता है। जो चौथा मॉडल है जो काफ़ी ज़्यादा प्राइस है 11,000 के करीब, तो उसमें जो है क्या कहते हैं अपना जो 4 GB आपको रैम रहता है और 64 GB आपको इसमें स्टोरेज मिलता है। तो देखते हैं बॉक्स के अंदर क्या खुल जा। तो सबसे पहले आपको बॉक्स के अंदर आपको एक केस मिलता है, जो Xiaomi आजकल अपने सभी फ़ोनों के साथ दे रहे हैं। तो देखते हैं केस कैसा है। तो आपको बेसिक ट्रांसपेरेंट कलर का आपको केस मिलता है, ये सिलिकॉन केस है। तो चलो ठीक है, इसमें देखते हैं कुछ ब्रांडिंग तो नहीं है। तो यहाँ देखिए ब्रांडिंग है, डिज़ाइन बाय MI, काफ़ी लाइट है, आपको देखेगा नहीं बट मैं दिखा दूँ कि यहाँ पर ये लिख रखा। तो चलो इसको साइड रखते हैं, और हमें यहाँ पे देखिए डिवाइस इटसेल्फ, ये रहा Redmi 5, देखिए ज़रा काफ़ी अच्छा लग रहा है। इसमें जो गोल्ड कलर है काफ़ी अच्छा, उसकी जो फील है काफ़ी अच्छी है। जो फ्रंट की प्रोफाइल है आपको 5.7 इंच का इसमें डायगोनल डिस्प्ले मिलता है हाई डेफिनेशन पे, और जो ऊपर आपको कुछ सेंसर मिल जाते हैं अप्रोक्सीमेटली, और माइक मिल जाएगा और कैमरा मिल जाएगा। अगर फ़ोन के ऊपर की प्रोफाइल पे आ जाइए तो आपको यहाँ पे इंफ्रारेड ब्लास्टर मिलता है, जिसके आप क्या होता है कि आपने जैसे आपके पास TV है तो आप इस अपने डिवाइस को एक रिमोट की तरह यूज़ कर सकते हैं, या अपने जो भी आपका प्रोजेक्टर उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। और साथ ही में आपको सेकेंडरी नॉइस कैंसिलेशन माइक मिल जाएगा, और ऊपर आपको रहेगा ये 3.5 mm जैक, हेडफोन जैक जो स्किप हो रहा है आजकल फ़ोन्स में। चलो आपको इसमें मिल रहा है ये, ठीक है। अगर राइट में आ जाइए तो आपको वॉल्यूम रॉकर बटन मिल रहे हैं अप एंड डाउन करने के लिए, आपको जो भी आवाज़ बढ़ानी कम करनी है। उसके नीचे आपको पावर ऑन पावर ऑफ और जो लॉक का बटन रहा है। अगर बिल्कुल नीचे आ जाइए फ़ोन के, तो आपको इसमें देखिए यहाँ पे 2 स्पीकर दिखाई दे रहे हैं, जो राइट साइड का वो स्पीकर है और जो लेफ्ट साइड है वो आपका माइक है। जाकर जैसे आप फ़ोन करेंगे तो आप जिस बात करते हैं तो ये माइक वो है, और आपको इन दोनों के जो बीच में आपको ये एक USB पोर्ट मिल रहा है, जैसे अपना फ़ोन चार्ज कर सकते हैं। और लेफ्ट साइड में देखिए तो ये सिम स्लॉट है आपका। तो एक मिनट इसको डिवाइस को साइड रखते हैं और देखते हैं इसके अंदर क्या है। दोस्तों आपको इसमें जो सबसे पहले एक वारंटी जो है हैंडसेट लिमिटेड वारंटी के बारे में मिलेगा, इसको आप पढ़ सकते हैं इसमें क्या क्या लिख रखा है। यहाँ पर इस तरफ इंग्लिश में है और बाकी तरफ चाइना में। क्विक स्टार्ट गाइड, सो आपको इसमें 5V 2A का ये पावर ब्रिक मिलता है, ये यहाँ पे दोस्तों ये देखिए आप पढ़ सकते हैं, तो ये लिख रखा है, इसको साइड रखते हैं। इसमें आपको एक सिंपल USB 2.0 का केबल मिल रहा है, जिससे आप फ़ोन सिंक या चार्ज कर सकते हैं। और बिल्कुल नीचे दोस्तों खुल आ जा, आजकल हर कंपनी ने ये क्या कर रखा है, जो सिम इजेक्टर टूल होता है उसको इस तरह प्लेस किया होता था कि उसमें बाहर ही नहीं आता है, काफ़ी मशक्कत करवाती है कंपनी इसके चक्कर में। इसको
तो चलिए रखते हैं इसको साइड में। तो इसको हम पावर ऑन कर देते हैं। तो ये पावर ऑन हो रहा है, तब तक तो उससे सबसे पहले मैं देख लेता हूँ दोस्तों ये आपको ये प्लास्टिक का अच्छी क्वालिटी का ये सिम ट्रे मिल रहा है। ये मेटेलिक नहीं है तो ये गलती मत करना। और ये हाइब्रिड सिम ट्रे है, इसमें आप दो नैनो सिम चला सकते हैं इकट्ठे, या तो एक नैनो सिम या तो एक मेमोरी कार्ड। इसमें आपको ऐसा नहीं हो सकता कि आप अगर आप सपोज करें अगर आप चाहेंगे कि मैं दो सिम यूज़ करूँ और साथ में अपना मेमोरी कार्ड भी यूज़ करूँ, तो आप ये चीज़ इसमें कर नहीं सकते। चलो इसको लगा दिया। ये आपको एक 12 मेगापिक्सल का कैमरा मिल रहा है विद जो बीच में एक LED फ्लैश है, और ये नीचे आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर अभी भी मिल रहा है। तो इसमें कोई ये चलो पावर ऑन हो गया तो उसको सेटअप कर देते हैं। इंग्लिश 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 इंडिया। चलिए 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 रीजन रीजन है हमारा दोस्तों इंडिया इंडिया। चलिए चलो जब तक ये सेटअप होता है। उसका डिस्प्ले काफ़ी अच्छा है, आपको आजकल के जैसे डिवाइसेस में आ रहा है कि उसमें बेजल कम हो रहे हैं, तो इसमें भी ऐसा ही कुछ है। जी बोर्ड चलिए चलिए सेटअप हो जाइए। चलो इसको स्किप कर देते हैं, एम टर्म एंड कंडीशन। चलो कंटिन्यू को स्किप दिस ऐप, इसको भी सेम तो हमने डाला ही नहीं। चलिए चलिए नेक्स्ट करिए। नो। चलिए अब देखते हैं फिंगरप्रिंट कितना सेटअप करते हैं इसमें, एक बार करके देखते हैं। चलो 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 गोट इट। तो मैंने 1 2 3 4 1 2 3 4 ओके। सो देखते हैं कितना फास्ट रिस्पॉन्स है इसका। तो देखिए कितनी जल्दी ये फिंगरप्रिंट सेटअप हो गए। चलिए एडिशनल सेटिंग्स ओके। डिफ़ॉल्ट सेटिंग कर देते हैं हम सेटअप के। देखिए कितनी जल्दी ये डिवाइस का सेटअप हो गया। बीच में आपको देखिए यहाँ पे ये लोडिंग ऐप्स का दिखा रहा है, तो एक बार ये ऐप सारी लोड हो जाते हैं तब तक ये पावर ऑन हो जाएगा। तो हम इसके डिवाइस के साथ जो इसका केस मिल रहा है उसके लगा के देखते हैं ज़रा किस तरह का है उसके साथ ये दिखता है। तो हाँ जी ये केस आपको देखिए पहली बात तो स्क्रैचेस डेंटेड उससे बचाएगा अगर आप इसको यूज़ कर रहे हैं, और शाम में आपको दे रहा है तो आपको कोई एक्स्ट्रा पैसा लगाने की ज़रूरत नहीं है, आपको केस इसी के साथ मिल रहा है अंदर ही बॉक्स के अंदर। तो आई एग्री इम्प्रूव लोकेशन इन द प्रीवियस वर्जन ऑफ एंड्रॉइड टर्न कोई नो। चलिए तो देखिए आपका डिवाइस सेटअप हो गया। तो सबसे पहले इसमें हम देखते हैं दोस्तों आपको क्या मिल रहा है, एंड्रॉयड का कौन सा वर्जन मिल रहा है। अबाउट फोन में जाएंगे आप तो आपको इसमें एंड्रॉयड वर्जन 7.1.2 जो नोगट है वो मिल रहा है, आपको ओरियो नहीं मिल रहा है इसके अंदर। तो हम होप कर सकते हैं कि शामी बहुत ही जल्दी आपको अपडेट दे दे इसके रिगार्डिंग। स्टोरेज है ये 16 GB वाला वर्जन है, तो दोस्तों इसमें जो स्टोरेज आपको अवेलेबल है 9.13 GB जो अवेलेबल आ रहा है ये देख सकते हैं आप यहाँ पर दिखा रहा है। और रेडमी 5 मॉडल का नाम है। तो दोस्तों ये जो है ये गोल्ड वर्जन है मेरे पास, ये 2 GB वाला वर्जन है। इसमें आपको 4 कलर ऑप्शन मिलते हैं दोस्तों, एक आपको इसमें ब्लैक कलर मिल जाता है, गोल्ड कलर मिल जाता है, एक लाइट ब्लू है, एक रोज़ गोल्ड है। तो जो आपको पसंद आएगा उस हिसाब से आप वो परचेज़ कर सकते हैं। और इसका कैमरा को देख लेते हैं हम, इसका कैमरा का परफॉर्मेंस कैसा है। अलाओ ओके। तो कोई शटर लैग नहीं है, मैं क्लिक करता हूँ पिक्चर। मैं तो दोस्तों एक बार दिखा दूँ, अलाओ प्राइवेसी सेकंड सेटिंग से आजकल काफ़ी हो गई है। ये देखिए दोस्तों अच्छा परफॉर्म कर रहा है कैमरा। अगर इसके देखिए दोस्तों अगर इसके अगर हम फ्रंट में आ जाएं, सॉरी ये आपको वीडियो बनने का ऑप्शन आ गया, तो अगर आप फ्रंट में आ जाएं तो ये कैमरा ऑप्शन है आपके पास। तो देखते हैं इसमें क्या क्या ऑप्शन मिलता है आपको। ये देखिए ये आपको सेटिंग्स मिलती है, आप इसे अपनी फ़ोटो इन्हांस कर सकते हैं। उसके फ्रंट में आ जाएं तो फ्रंट में देखिए आपकी क्या क्या सेटिंग मिलती है। स्टार्ट प्रो ये लो लाइट है ऑप्शन है आपका, सारा कुछ ऑप्शन है तो आप इसमें स्टार्ट कर सकते हैं। तो मैं इस पर फ़ोटो क्लिक करके देखता हूँ किस तरह का फ़ोटो आता है फ्रंट कैमरा से।
कोई ज़्यादा खास फ़ोटो नहीं है आपको कुछ चलाने लायक। इसमें जो 5 मेगापिक्सल का कैमरा मिल रहा है तो उसकी जो फ़ोटो क्वालिटी है कुछ ज़्यादा खास नहीं है, बट आपको ठीक है, अब इस प्राइस ब्रैकेट में इससे ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। तो इसकी वीडियो रिकॉर्ड वीडियो मोड में देखते हैं क्या क्या आपको ऑप्शन मिल रहा है। ये फ्रंट का, आप तो बैक में आ जाइए। तो ये मैंने फ्लैश ऑप्शन, आप इसमें टाइम लैप्स भी बना सकते हैं जो आप यह ऑप्शन में जाके, ये ऑप्शन में आपको ये सेटिंग, ये आपका बेसिक कैमरा सेटिंग है। आप इस पर 1080p तक रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, तो आपको 4K का ऑप्शन नहीं मिलता है। ये देखिए फुल हाई डेफिनेशन, मतलब 1080 कर तक आपके इसमें वीडियो बना सकते हैं। देखिए आपको इसमें कुछ प्री इंस्टॉल ऐप्स मिलता है, जैसे अमेजोन, आपको पता ही है अमेजोन से ही मिलता है, तो आप या अपनी एमआई की वेबसाइट से परचेज, तो उनके साथ कोलैब हो गया, उन्होंने भी इसमें इंस्टॉल कर रखा है, तो आपको फेसबुक पे इसमें प्री इंस्टॉल मिलेगा और अमेजोन प्राइम भी। तो दोस्तों किन को ये फ़ोन कंसीडर करना चाहिए? अगर आपका प्राइस काफ़ी ज़्यादा टाइट है, आप ज़्यादा पैसा खर्चना नहीं चाहते कि मेरे पास 8,000 या 9,000 रुपये, मैं इससे ज़्यादा पैसा खर्च नहीं कर सकता, तो आप इसको परचेज़ कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा फ़ोन है, तो शाओमी के सारे फ़ोन ही काफ़ी अच्छे हैं। तो अगर जैसे कि आपको दोस्तों पता ही है, एक रेडमी नोट 5 भी है आपको, जिसका प्राइस है 4,999। तो अगर जो उसमें क्या होता है, 1,000 का ही फ़र्क है दोनों मॉडल्स में, जो 3 GB अगर कंपेयर करें दोनों का मॉडल को, तो 1,000 का पर उसमें आपको स्नैपड्रैगन 625 प्रोसेसर जो काफ़ी अच्छा है। अगर दोस्तों आप थोड़ा सा अपना बजट बढ़ा सकते हैं, तो आप रेडमी नोट 5 भी कंसिडर कर सकते हैं, वो भी काफ़ी अच्छा फ़ोन है। और एक चीज़ जो रह गई दोस्तों, वो पता नहीं वो रह गई है, इसके साउंड कैसी है। तो साउंड के लिए दोस्तों मैं अपना, तो ये इसका हम जो साउंड क्वालिटी भी चेक कर लेते हैं, तो कोई भी गाना प्ले करके देखते हैं किस तरह की साउंड क्वालिटी है इसकी। मुझसे पावर बटन दब गया, तो यूट्यूब पे जाइए, अभी तो कोई गाना सुन लेते हैं। इसकी वॉइस क्वालिटी, ये तो देखिए इसकी जो साउंड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। मतलब दोस्तों आप काफ़ी सारे गाने सुनते हैं या आप म्यूज़िक लवर हैं, तो ये जो इससे आउटपुट है 3.5 mm जो काफ़ी अच्छी है। मैं आपको एक बार चेक करके दिखा देता हूँ। तो ये रहे मेरे शाओमी के जो ईयरफोन, आप इनको भी कंसिडर कर सकते हैं, 399 इनका प्राइस है। मैंने इसकी वीडियो पहले ही बना रखी है, तो मैं आपको ऊपर लिंक दे दूँगा। दोस्तों आपको इसमें सारे सेंसर मिले, जायरो सेंसर है, अप्रोक्सीमेटी सेंसर है, एक्सेलेरोमीटर सेंसर है। तो ये मत घबराइए कि शाओमी ने अगर इस जैसे इसका प्राइस कम रखा है तो आपको ये चीज़ें नहीं देगी, बेसिक चीज़ें। तो इसमें आपको ये जो सेंसर है, जो बेसिक सेंसर होते हैं, ये सारे मिल रहे हैं। तो ये वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं कल हमारी नई वीडियो पे, तो जय हिंद।